गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिबीएल मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल किए थे, क्या कर दिए थे हमने, एग्जाम्पल पूरे कर लिए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.2, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपका, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर हमारा क्या आ जाए, ये आ जाए। तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आंसर ये आएगा, क्या कर लेते हैं हम इसको, एक्स मान लेते हैं आंसर। देखो सॉल्यूशन देखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, हमने क्या मान लिया, नंबर को एक्स मान लिया, नंबर को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो हमें क्या करना है, इसमें से क्या माइनस करना है, एक्स माइनस करना है। तो आंसर हमारा आना चाहिए 493646, ये हमारा आंसर आना चाहिए। क्या बोला है, इसमें से अगर हम एक्स माइनस करें तो ये आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये पहले क्या दे रखा है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक। तो 10 लाख में से x माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 4,93,646। आंसर क्या आना चाहिए, 4,93,646, ये आंसर आना चाहिए हमारा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 लाख को ऐसे कैसे लिखेंगे, 10 लाख। ठीक है, अब ये माइनस का x है, इसको कहाँ भेजेंगे हम, इधर भेजेंगे, जो हमें लाना होता है वो एक तरफ कर देते हम। ठीक है, और नंबर को क्या कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो हम इसको कहाँ भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं, और इसको कहाँ ले आते हैं, इधर ले आते हैं। तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 4,93,646 किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, और ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये आप ध्यान रखना, अगर हम इक्वल टू के इधर उधर भेजते हैं कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर माइनस का होता है तो उधर जाते हैं वो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है, और अगर प्लस का होता है तो इधर आते क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू में ध्यान रखना ये बात, प्लस का होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और माइनस का होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करना है, अब हमें सिंपल माइनस करना है, माइनस करना तो सबको आता होगा, माइनस कर लो। देखो माइनस करते हैं, अब हम इसका क्या है, 6,46,394। ठीक है, इसका क्या कर लिया हमने, माइनस कर लिया। ठीक है, अब देखो ये जीरो में से तो जाते ही नहीं है, तो इसने कैरी दिया, सबके पास क्या हो जाएगा, 9,999, और ये कितना बच गया, 10। माइनस करना सबको आता है, माइनस तो सबको आता ही होगा, 10 में से 6 गए तो कितने बच गए, 4 बच गए, 9 में से 4 गए तो कितने बच गए, 5 बच गए, 9 में से 6 गया तो कितने बचे हमारे पास, 3 बचे, 9 में से 3 गया तो कितने बचे, 6 बचे, 9 में से 9 चले गए तो कितने बच गए हमारे पास, 0 बचे, 0 बचे। अब 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 5 बचेंगे, 9 में से 4 गए तो कितने बच गए हमारे पास, 5 बच गए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5,06,354, ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5,06,354। क्या किया हमने, सब्ट्रैक्शन किया है। क्या बोला कि 10 लाख में क्या माइनस करें कि आंसर आ जाए हमारे पास, 4,93,646। तो हमने क्या माइनस कर दिया, हमने x माइनस कर दिया, फिर हमें x की वैल्यू लानी है, तो ये माइनस का x है तो उधर जाएगा किसका हो गया, प्लस का हो गया, और ये प्लस का है इधर आएगा तो किसका हो गया, ये माइनस का हो गया। दोनों को हमने माइनस कर लिया तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 समझा रही हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको, टू मेक एग्जैक्टली 9 करोड़। अब क्या बनाना है हमें, 9 करोड़ बनाना है, क्या बनाना है हमें, 9 करोड़ बनाना है। तो 9 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, लिखो आप, 9 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, लिखो फटाफट, 9 करोड़ में कितने जीरो होते हैं वो लिखो, प्रैक्टिस
ठीक है, 9 करोड़। तो 9 करोड़ में वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 9 करोड़। अब बोल रहा है 9 करोड़ बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, 9 करोड़ बनाने के लिए हम 78,35,634 में और 2,24,48,453 में क्या ऐड करें, क्या ऐड करें यहाँ पे कि आंसर कितना आ जाए, 9 करोड़ आ जाए। तो हम क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, देखो क्या कह रहा है इसके अंदर कि दो नंबर दे रखे हैं हमारे पास, 78,35,634 और 2,24,48,453। अब हम इसमें और क्या ऐड करें कि आंसर कितना आ जाए, 9 करोड़ आ जाए। आंसर कितना आ जाए हमारे पास, 9 करोड़ आ जाए। तो क्या करेंगे हम, वापस वैसे के वैसे करेंगे, 78,35,634 प्लस 2,24,48,453 प्लस ये क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। और आंसर कितना आना चाहिए, 9 करोड़। 9 करोड़ में कितने जीरो है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे भी हम कितने जीरो लगा देते हैं, 7, 0, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, अब इनको प्लस करके और फिर 9 करोड़ में से क्या करना है हमें, माइनस करना है। 9 करोड़ में से क्या करना है हमें, इसको माइनस करना है। तो ये प्लस करके आप माइनस खुद से करना है, इसके अंदर क्या करते हैं देखो, मैं करो एक बार फटाफट करो सब जगह, इसको प्लस और फिर माइनस करो, फिर मैं बताती हूँ क्या आंसर आ रहा है इसका। करो सब जने, क्या करेंगे हम, 78,35,634 और क्या बच गया, 4,53,48,24 और 2 करोड़। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, इसको क्या कर लेंगे हम, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे क्या आंसर आ रहा है, देखो 4 और 3 कितने होते हैं, 7। ठीक है, 5 और 3 8, 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 8 9 और 5 14, 14 का 4 और 1 कैरी। ठीक है, 4 और 4 कितने हो जाएंगे ये पूरे, 8। 3 और 1 4 और 4 और 4 8। ठीक है, 8 और 4 कितने हो गए, 12, 2 कैरी में, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 0 1 कैरी। तो ये कितना हो गया, कितना बन गया ये देखो, 3,02,84,087। 3,02,84,087। अब हमको क्या करना है, इसको 9 करोड़ में से माइनस करना है। क्या करना है, 9 करोड़ में से माइनस करना है। 9 करोड़ वाला माइनस आप खुद करेंगे और आंसर निकालेंगे, यहाँ से बात का आंसर आप खुद निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। हम इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।